So, हम आ गए कर्नाटक में और आपको घुमाएंगे पूरा हम्पी, वो नॉर्थ हो साउथ हो या फिर वो ईस्ट वेस्ट, हम्पी का कोना कोना घुमाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। हम्पी घूमने को कितने दिन चाहिए, कितना बजट जाने वाला है, कहाँ स्टे करना है और कैसे पहुंचना है हम्पी में, सब कुछ बताएंगे। सो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए, और घंटी जरूर दबा लीजिए। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको हम्पी आना कैसे है। इसके लिए आप हम्पी आ सकते हैं बाय फ्लाइट, बाय बस एंड बाय ट्रेन। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो विजयनगर एयरपोर्ट मिलेगा आपको, या बैंगलोर एयरपोर्ट आप आ सकते हैं और वहाँ से हम्पी के लिए बस पकड़ सकते हैं या फिर ट्रेन पकड़ सकते हैं। और मैं आई हूँ ट्रेन से। सो आप ट्रेन से किसी भी शहर से आ रहे हो तो हॉस्पेट जंक्शन आप आ सकते हैं। हॉस्पेट जंक्शन से जो हम्पी की डिस्टेंस है वो मात्र 15 किलोमीटर है, और आप किसी भी सिटी से हम्पी के लिए बस पकड़ सकते हैं। और पर्सनल व्हीकल से आना है तो फिर क्या ही कह रहे, कर्नाटक में है हम्पी, सो आ जाइए आप हम्पी। और यहाँ पे आप कहीं भी निकलेंगे तो गेट पे ऐसे रंगोलियाँ बनी मिलेंगी हर जगह। ये है प्रियंका और ये है फूड कोर्ट, ये अपनी सवारी। अब मैं बताती हूँ आपको स्टे के बारे में। हम्पी आप पहुँच गए हैं, आपको स्टे कहाँ करना है। आप चाहें अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो हॉस्पेट रेलवे स्टेशन पर भी आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अंडर 1000 आपको रूम मिल जाता है फॉर द 2 पर्सन फॉर 1 नाइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हम्पी में ही रुकना है प्रॉपर, आई प्रेफर कि आप हम्पी में रुकें, तो हम्पी में रुकने के लिए आप विरूपाक्षा टेम्पल के पास रुकें, जहाँ पर वीकेंड में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 1000 से 1500 रुपये तक रूम जाता है आपका, 1500 से 2000, या फिर दिसंबर मंथ में जब आप आते हैं तो कॉस्टली पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पे भी 1000 से 1500 में ईजिली आपको रूम मिल जाता है एक अच्छी कैटेगरी होटल में। तो इस तरह से आप स्टे का अपना बजट हम्पी में तैयार कर सकते हैं। हमने हम्पी को प्रॉपर विजिट करने के लिए दो पार्ट्स में बांट लिया। पहले हम चलते हैं रामायण ट्रेल्स को घूमने, जो है किष्किंधा। रामायण में किष्किंधा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। किष्किंधा में बाली केव, सुग्रीव केव, पंपा सरोवर हो या फिर हनुमान जी का बर्थ प्लेस, इस वीडियो में सभी को विजिट करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे एनागुंडी दुर्गा टेम्पल। एनागुंडी किले के अंदर लोकेटेड ये मंदिर बहुत पुराना है, और कुछ ही सीढ़ियां चढ़कर हम इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि जब विजयनगर के राजा युद्ध पर निकलते थे तो पहले इस दुर्गा मंदिर में अपनी विजय के लिए प्रार्थना करते थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि भंडारा चल रहा था, जहाँ भोजन प्रसाद में राइस और सांभर था। यहीं से आगे की तरफ एनागुंडी फोर्ट का मेन दरवाजा नजर आता है, और आगे बढ़ने पर एक गुफा नजर आती है जिसे कहते हैं बाली केव। ये रहा बाली केव। ये हम घुस गए हैं बाली गुफा में। अंदर बहुत सकरा है, बहुत छोटी जगह है और अंधेरा भी है। केव के अंदर जाके हमने देखा काफी अंधेरा है, लेकिन हाँ बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, वो भी बहुत शानदार बैलेंसिंग के साथ, देखकर मन खुश हो गया। ये बहुत ही नेचुरल है। यहाँ से हम इस पहाड़ी के दूसरी तरफ चलते हैं और आ पहुँचते हैं पंपा सरोवर पर। माना जाता है कि यहाँ माँ शबरी श्री राम का इंतजार कर रही थी। यहीं पंपा सरोवर के पास ही शबरी की गुफा है। पंपा सरोवर को विजिट करने के बाद हम आ पहुंचे हम्पी के हनुमान हल्ली जगह पर, जिसे हनुमान जी का गांव भी कहते हैं। लगभग 600 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम अंजनाद्री पहाड़ी पर बने इस खूबसूरत से मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की नक्काशीदार मूर्ति है, जो कि बेहद शानदार है। हमने दर्शन किए, और आपको बता दूं कि इस जगह को हिंदू पुराणों में किष्किंधा के नाम से जाना जाता है, और इस जगह को हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहते हैं। सो एक बार बोलते हैं हनुमान जी की जय। पहाड़ी की चोटी से देखने पर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नजर आता है।
ये ट्रैक खत्म करके हम आगे की तरफ बढ़ चले वानर सेना के एक और योद्धा यानी कि सुग्रीव की गुफा की तरफ। किस तरह की केव है जहाँ से हमें निकल के जाना है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। कोंडा राम मंदिर जो कि बंद था क्योंकि दोपहर का टाइम था, दोपहर में ये मंदिर बंद कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने बाली को मारने के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक यहीं किया था। मंदिर के अंदर राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति है और हनुमान जी की जगह यहाँ सुग्रीव को देखा जा सकता है। ये भी माना जाता है कि खुद सुग्रीव ने ही ये मूर्तियाँ बनवाई थी। जहाँ पर राम जी के बगल में हनुमान जी की जगह सुग्रीव जी दिखते हैं। इस मंदिर से होते हुए और तुंगभद्रा नदी के किनारे चलते चलते हम आ पहुँचते हैं ऋषिमुख पर्वत पर। ऐसा माना जाता है कि सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर बनी इस गुफा में रहते थे। गुफा के अंदर जाने पर सच में एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि रामायण काल में आ गए हों। गुफा बहुत ही प्यारी है, बड़े बड़े पत्थरों का बैलेंस देखकर मन खुश हो जाता है। गुफा के बिल्कुल पास में ही यही सीता झील है। माना जाता है कि हनुमान जी को माँ सीता के ज्वेलरीज इसी झील में नहाते समय मिले थे। किष्किंधा घूमते हुए शाम हो चली, चलिए तुंगभद्रा नदी के किनारे कुछ समय व्यतीत किया जाए, नजारों का आनंद लिया जाए। अगर आप हम्पी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये स्पेशल टाइप की गोल बोट में राइड लेना ना भूलें। इसकी सवारी करना अपने आप में एक मजा है। गोल खूबसूरत सी बनी इस डोंगी की सवारी करने का हमें तो चांस नहीं मिला क्योंकि शाम हो गई थी और हम लेट थे। सनसेट हो चला था और राइड बंद हो चुकी थी और ऐसा वहां पे एक अलर्ट बोर्ड लगा है कि रिवर में क्रोकोडाइल्स हैं, तो हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। 200 रुपए में शेयरिंग बेस पर आप ये राइड 10 मिनट की ले सकते हैं और हाँ इसमें 6 लोगों को बिठाते हैं और अगर आप बुक करते हैं तो ये आपको 1000 से 1200 रुपए में बुक हो जाती है। होटल की तरफ जाते हुए हमने डिनर किया। हम्पी में आपको ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन फूड जैसे इडली सांभर डोसा और लंच और डिनर में टेस्टी सी थाली खाने को मिल जाती है। खाने का प्राइस भी रीजनेबल ही है। नेक्स्ट डे हम्पी की फ्रेश एयर में हम उठते हैं और दूसरे दिन का हमारा जो प्लान है वो है यहाँ के आज हम पॉपुलर डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे विरूपाक्ष टेम्पल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मंदिर भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को समर्पित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे लोकेटेड ये मंदिर पवित्र स्थान होने के साथ ही ऐतिहासिक जगह है। इतिहास और वास्तुकला के कारण इसे वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर का इतिहास विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। लगभग 500 साल पहले इस मंदिर का गोपुरम बनाया गया था। 50 मीटर ऊंचा मंदिर का ये गोपुरम बहुत ही शानदार और सुंदर है। शिव के अलावा मंदिर के प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर है जो दूसरे देवी देवताओं को समर्पित हैं। हम्पी के मंदिरों में ये एक शानदार और बड़ा अद्भुत मंदिर है। अब शिवजी के दर्शन करने के बाद हम लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बने इस मोनोलिथिक नंदी मंदिर को देखने जा पहुँचे। नंदी जी का मुख विरूपाक्ष मंदिर की तरफ ही है। नंदी की मूर्ति को एक ऊंचे से मंच पर 2 मंजिल के मंडप में रखा गया है। मंडप की अट्रैक्टिव नक्काशी और नंदी की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हम आ पहुँचे हम्पी के एक और विश्व धरोहर को देखने, रहस्यों से भरा विट्ठल मंदिर, जहाँ मंदिर के खंभों से संगीत निकलता है और यही कारण है कि इस मंदिर को म्यूजिकल पिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में घूमने के लिए आपको इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक कार 20 रुपए अप डाउन आपसे लेती है। और ये मंदिर में आपको मिलेगा रथ देखने को। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे ये रथ है और आपको बता दूं ये आपको हम्पी में देखने को मिलेगा विट्ठल मंदिर के अंदर या फिर 50 रुपए के नोट पर। और ये रथ लगभग 600 साल पुराना है और देखने में तो है ही अल्टीमेट। पूरे हम्पी को, हम्पी गांव को
वर्ल्ड यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है। विश्व धरोहर है हमारा भारत का हम्पी। और ये रथ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ऊपर जो आप म्यूजिकल ये पिलर देख पा रहे होंगे, ये पिलर्स को थपथपाने पर बजाने पर आपको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीतमय पिलर है विट्ठल मंदिर के अंदर स्पेशली रथ पर। और ये देखिए रथ जो है इस तरह से बनाया गया है कि इसे खोल के कहीं भी ले जाया जा सकता है, पत्थर का बना हुआ रथ, कैन यू बिलीव। सो आइए देखते हैं पूरे पत्थर का बना हुआ ये विट्ठल मंदिर। मंदिर बेहद खूबसूरत है और ये सनसेट का टाइम है और मंदिर की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 o'clock से शुरू होती है और इवनिंग में 6:30 लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती। लोटस पैलेस में आप एंट्री टिकट लेते हैं, वो टिकट अगर आप विट्ठल टेंपल पहले विजिट कर रहे हैं तो यहाँ लेना पड़ता है आपको, और अगर लोटस टेंपल तो वहाँ वो एक ही टिकट है, वो संभाल के रखिए। अगर आप विंडो से ले रहे हैं और वो 35 rupees पर पर्सन है उसका चार्ज, वो चार जगह एलिजिबल होती है, वहाँ पर चेक हुई थी और यहाँ पर भी, या फिर आप जो है वो QR कोड स्कैन करके भी ले सकते हैं, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलती है। विट्ठल भगवान को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय ने करवाया था, इसीलिए मंदिर का नाम विजय विट्ठल पड़ा। कंप्लीट स्टोन से बना ये रथ भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ जी को समर्पित है। आपको ये बता दूं कि भगवान विष्णु को ही भगवान विट्ठल के नाम से जाना जाता है। इसको विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम भी कहा जाता है। विट्ठल मंदिर में टोटल 56 ऐसे म्यूजिकल पिलर हैं और सच में इसमें से आवाज आती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही अल्टीमेट स्ट्रक्चर, ये आज की डेट में अगर करने बिठाया जाए ना किसी कारीगर पूरी टीम को, किसी कंपनी को दे दिया जाए, वो 10-20 साल भी लगा के ऐसा नहीं बना पाएगी। विट्ठल मंदिर म्यूजिकल पिलर के लिए पॉपुलर जगह है हम्पी में। सीमेंट का यूज नहीं है, ईंटों का यूज नहीं है, किसी चीज का यूज नहीं है, पत्थरों पे ऐसे नक्काशियां की गई हैं, लग रहा है कि ये सब उकेरे गए हैं प्रॉपर, मतलब ये ऐसे होगा काट कूट के बनाया गया और ऐसे पूरी बना दी गई। अंदर आप देख लीजिए, अंदर तो कमाल ही है, मतलब अंदर कमाल है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में ये जो गणपति बप्पा की मूर्ति देख रहे हैं ये लगभग 2.5 meters ऊंची है और इसे बोलते हैं सासविकालू गणपति मंदिर, जो कि हेमकूट पर्वत पर ढलान पर बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे सिंगल स्टोन टेंपल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ये सिंगल स्टोन गणपति है और आगे बढ़ेंगे आपको सिंगल स्टोन नरसिम्हा और सिंगल स्टोन नंदी दिखाएंगे। सो चलिए मेरे साथ हम्पी दर्शन में आगे चलते हैं। यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति है और ये मूर्ति एक शिला से बनी हुई है, एक चट्टान से बनी हुई है और यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे, एक्चुअली आप हम्पी में कहीं भी नज़र डालिए तो आपको पुरातत्व विभाग के बोर्ड लगे नज़र आएंगे और आपको ढेर सारा एडवेंचर और इंडिया की हिस्ट्री दिखेगी। ये वो हिस्ट्री है जिससे हम अनजान थे। हम यहाँ से आगे बढ़े और लोटस टेम्पल विजिट करने जा पहुँचे। So guys, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और टिकट ऑनलाइन बुक कीजिए, टिकट वैलिड फॉर वन डे ओनली, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। और ये किस किस मोनूमेंट के लिए टिकट है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मेन गेट, एंट्री गेट, यहाँ पर टिकट चेक होकर आपको अंदर जाने को मिलेगा। कि जब आप लोटस पैलेस देखने के लिए आते हैं तो आपको एक एंट्री टिकट लेना होता है, जो एंट्री टिकट है वो आपका 70 rupees का पड़ता है और इससे आप चार मोनूमेंट्स घूम सकते हैं टोटल। और ये टिकट आपको आपने ऑनलाइन लिया है या ऑफलाइन काउंटर से लिया है, आप चाहें अगर क्राउड है तो ऑनलाइन ले सकते हैं, बाहर QR कोड लगा रहता है उसको स्कैन कीजिए और ऑनलाइन टिकट ले लीजिए, इससे आपको जल्दी से ईजीली आपको घूमने को मिल जाएगा, आपका टाइम की बचत हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ से भी आपको लोटस टेम्पल दिखा, ये है लोटस टेम्पल जो आप देख पा रहे होंगे, डबल स्टोरी यानी दो मंजिल का इमारत है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। और आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा एलिफेंट स्टेबल। लोटस टेम्पल विजिट करने के बाद हम आ पहुंचे हजारा राम मंदिर, जो कि भगवान राम को समर्पित है। ये मंदिर विजयनगर के राजाओं का एक निजी मंदिर हुआ करता था। मंदिर छोटा है लेकिन बेहद खूबसूरत है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर रामायण की कहानियां उकेरी गई हैं। ये मंदिर विजयनगर की मूर्ति कला की एक अद्भुत शिल्प कला का नमूना है। सिंगल स्टोन गेट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और ये
मोनोलिथिक यहाँ वो चीज़ है जो सिंगल स्टोन से बनी है, सीधे मोनोलिथिक एक शिला द्वार। आप बैक साइड में देख रहे हैं प्रभु नरसिम्हा टेम्पल, सिंगल स्टोन स्टैचू, और यहाँ पर जस्ट बगल में है वो हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग जो मैं आपको दिखाती हूँ, बट वो बाहर से लॉक है, सो आपको मैं बाहर से ही दिखा सकती हूँ। चलिए, अब हम आ पहुंचे हैं हम्पी के क्वीन बाथ को देखने, जो कि हम्पी का सबसे बड़ा बाथ प्लेस यानी कि स्नान गृह है, जो कि लगभग 500 साल पुराना होने के बाद भी बेहद खूबसूरत है। लगभग 30 वर्ग किलोमीटर में बनी ये इमारत और इसके बीचों बीच बनाया गया पूल बेहद शानदार है, जो बाहर से देखने पर तो बड़ा ही सिंपल नजर आता है, लेकिन अंदर इसके हर कोने पर एक कलाकृति बनाई गई है। मैं आपको बता रही थी कि आपको हम्पी को विजिट करने के लिए 2 डेज चाहिए, और अगर आप रिलैक्स होकर हम्पी घूमना चाहते हैं, कंप्लीट मोनूमेंट्स और पूरे हम्पी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम्पी में कोप्पल बिल्लारी सारे डिस्ट्रिक्ट को घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 4 to 5 डेज का प्लान बनाना होगा। अब मैं लेकिन बात करती हूँ 2 डेज के प्लान पर। आप हम्पी जिस दिन आ रहे हैं उस दिन आप हम्पी घूम लीजिए, मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर 7 o'clock में आप पूरा हम्पी एक्सप्लोर कर सकते हैं ईजिली, और इसके लिए आप एक ऑटो हायर कर लीजिए जो आपको 1000 में ईजिली पूरा एक्सप्लोर करवा देगा। और अगर आप हम्पी में किष्किंधा जाना चाहते हैं, जिसे कहते हैं रामायण की किष्किंधा, सो वो पड़ने वाली है हॉस्पेट से लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको, और जिसके लिए आप एक ऑटो रिजर्व कर लीजिए, ऑटो वाले आपको 2500-2000 बोलेंगे, 1500 में आई हैव एक्सपीरियंस। सो गाइस, आपने देखा हम्पी टूर, तो हम्पी टूर में हमने आपको बजट भी दिखाया, सब कुछ बताया। तो चलिए इसी वीडियो को यहाँ पर रैप अप करते हैं। इसी बात पर कहते हैं हमेशा की तरह, ना किसी को टेंशन दो ना किसी की लो, बात बाकी ऊपर वाला साफ देख लेगा।